एक प्रार एक एक प्रार्थना एक शपथ सगळ्यांनी घेतली पाहिजे की या देशात संविधान रक्षणासाठी आम्ही सगळे एकत्र येऊ, पक्षभेद आणि मतभेद विसरून एकत्र येऊ आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी या देशाला दिलेल्या संविधानाचं रक्षण करू। त्या दृष्टीने आंबेडकरांचं महत्त्व हे अत्यंत मोलाचं आहे। आज रोजगार मेळावा आहे आणि रोजगार मेळाव्यामध्ये पंतप्रधान स्वतः वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या लोकांना नियुक्तीपत्र वाटतात। बेरोजगारी आमच्याकडे ही कामं नगरसेवक करतात। आमच्याकडे अशा प्रकारची कामं जी आहेत महाराष्ट्रामध्ये आमचे नगरसेवक शाखा प्रमुख या लेवलला हे रोजगार मेळावे भरवतात करतात। बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापनाच मराठी माणसाला रोजगार देण्यासाठी केली। भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा या मुंबईत महाराष्ट्रात यासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली आणि त्यांनी अशी पत्र वगैरे पत्रकं वाटली नाहीत की हा शिवसैनिक आहे, हा मराठी माणूस आहे, त्याला रोजगार मिळालाच पाहिजे। त्यासाठी आम्ही कायदा करून घेतला, 80% भूमिपुत्र हा कायदा केला। हे आता राजकारण आहे। प्रधानमंत्री जर अशी पत्र वाटायला लागले तर आता कठीण म्हणावं लागेल सगळ्या देशाचे। हां क्या है सर, हिंदी में करे सर। मुख्यमंत्री मातोश्री में आकर रोते रहे कि मुझे बीजेपी गिरफ्तार, आदित्य जी ने कहा है, बड़ा खुलासा किया है। अंबेडकर जयंती क्या कहेंगे? क्या हो गया? आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद में कहा है कि मुख्यमंत्री मातोश्री में आकर रोए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेगी, बीजेपी में जाना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। आप जहां खड़े हो मेरे घर में, वहां भी आकर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, आज के मुख्यमंत्री ने, कि मैं अब गिरफ्तार होना, मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूं। आप कुछ करिए, आप ये गठबंधन तोड़िए, नहीं तो मुझे, नहीं तो हमारे लोग, हम सबको, मतलब आप जेल क्यों जाना चाहते हैं, आपको जेल में क्यों डालेंगे? अगर पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है तो पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये एक दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है, पूरे देश में दमन का तंत्र चल रहा है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी किया है और फिर भी हो सकता है, या अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। फिर भी उनका कुछ कहना था कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त, और उनको जेल जाने का डर था। उनका नाम भी आपको मालूम है सबके, उनके नेतृत्व, उनका नेतृत्व आज के मुख्यमंत्री ने किया। और क्या बोल सकता हूँ, गद्दारी हुई